क्या सीधा कैमरे से हम सभी मैम का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अभी सब लोग करेंगे इधर कैमरे पे। रजनी मैम का इंतजार कर रहे हैं, वो आती है उसके बाद आप लाइट से थोड़ा सा और आगे आइए, सभी लोग लाइट से थोड़ा सा आगे आइए। वेट इधर कैमरे पे। मैम आइज क्लोज हो रही इधर। मैम इस कैमरे पे किधर से इधर देखिए, इस कैमरे पे इधर कैमरे पे इधर कैमरे पे। मैम कैमरे पे देखिए इधर। ओके नीचे कीजो। यस सभी लोग इधर कैमरे पे। यस इधर एक लोग इधर आए, इधर देखिएगा मैम इधर कैमरे पे। वेट तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। With this peaceful and powerful mantra, we would like to do the Sri Ganeshaya Namah of the annual fest Quirensia. पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और चलने को तो एक पैर से भी चल रहे हैं लोग, चलने को तो एक पैर से भी चल रहे हैं लोग, मगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। आदर अभिनंदन आभार नमस्कार आदाब सत श्री अकाल हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल अवर रिस्पेक्टेड एंड ग्रेसियस लेडीज प्रेजेंट हियर। मैं आकांक्षा बुंदेला और मेरे साथ हैं उर्वी यादव, और हम आज के इस रोमांचकारी कार्यक्रम में आप सभी के समक्ष संचालक की भूमिका में उपस्थित हैं। साथियों इतने शानदार कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं पूरे छात्रावास परिवार की ओर से आप सभी का हृदय के अंतस्थ भाव से आभार व्यक्त करती हूँ। As one of the protagonists of the famous Harry Potter series, Hermione Granger once said, "Books and cleverness, they are more important things, friendship and bravery." This beautiful dialogue of her has such a deep and profound meaning that it summarizes the whole reason behind the organization of this fest. The student life, in a student life, the quintessential requirements are books and cleverness. But we need a little time from our busy schedules to make friends and to do friendship. And what's the better option than this grand fest we are having tonight? So let's begin our fest with your huge roar of applause. आप सभी गणमान्य अतिथियों को सादर अभिवादन। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और विशेष आभार व्यक्त करती हूँ हमारी सुपरिटेंडेंट मैम, वार्डन मैम और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट मैम का कि आप लोगों ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति हम बच्चों को प्रदान की। मैम को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। I would like to call our warden ma'am, Dr. Jaya Kapoor of the Modern English and European Language Department and the HOD of the English Department to please come on the stage. And with, I would also like to call our superintendent ma'am, Dr. Padmasana Singh, Associate Professor of the Geology Department. Goswami, Assistant Professor of Sanskrit Department.
जी 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 मैम ले लीजिएगा कैमरे पे है यार कैमरे पे एक बार प्लीज ऑक्यूपाई योर सीट्स आगे जैसे कि हमारी सांस्कृतिक परंपरा है कि किसी भी सांस्कृतिक आयोजन के प्रथम चरण में हम पवित्र अग्नि का प्रज्वलन करके Thank you.
Thank you.
all occasions. The answer is obviously no. As in our culture, we firstly worship the Lord Ganesh, and without welcoming him, any event or put a highly energetic and powerful dance of Ganesh and Shakti Vandana. जोरदार तालियों से स्वागत करिए हमारे पार्टिसिपेंट्स का। आप लोग की तालियां बहुत कमजोर हैं, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। Thank you.
और पर्दा दिखलाया, पहचान पर आया धन पीढ़ी बढ़ाना कर
कर्तव्य समझाया कि ये विभिन्न प्रयास इनके गंगीन पंखों को करने को लहूलुहान ला खड़ा किया बाधाओं का अंबार पर कुछ निज ना कर पाए तितलियों का आत्मविश्वास कर तितलियों ने भाग लिया बाधाओं के उस पार अपने रंगीन सपनों का संसार कर भय को भी भयभीत जा खड़ी हुई उस पार जहाँ न भय है न मिन्नतों का इजहार जहाँ न भय है न मिन्नतों का इजहार न समाज का ताना न दहेज का भार बस अनंत संसार में खुशियाँ है अपार भले ही हमारा देश जनसंख्या की दृष्टि में पहले पायदान पर पहुँचने वाला है पर बढ़ता एकाकीपन हमारे देश के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गया है इसी पर आधारित मैंने यह कविता लिखी है हो गई रिश्तों में टकराव क्यों इतना कमजोर रिश्तों में विश्वास है हो गए फूल से नाजुक रिश्ते क्यों पत्थर होता इंसान है खत्म होती रिश्तों की अहमियत क्यों अकेले खुश होता इंसान है टूटती क्यों रिश्तों की डोर छूटती क्यों अतीत की सोच है क्यों हो रहे अकेले इतने मशरूफ दिखा कर मजबूत क्यों इतने कमजोर है माना माना बदल गई दुनिया बदल गई दुनिया बदल गई पीढ़ियां पर कैसे बदली बताओ वजह एक खुशियां अब केवल त्योहार ही नहीं गए जरिया जब बढ़ता उल्लास भूति मिठास है वरना कमजोर रिश्तों की मिट जाती पहचान अकेला मतलब ही हो जाता संसार या खुदा तेरा शुक्रिया या खुदा तेरा शुक्रिया जो त्योहारों को भी बना दिया जरिया वरना कैसे बेरंग हो जाती तेरी दुनिया धन्यवाद Now, I would like to call Upa Madhav for the next poetry recitation. Shubham. सभी अतिथियों को मेरा सादर नमस्कार मैं उपमा यादव अपनी स्वरचित कविता आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ मेरी कविता में एक स्त्री के जीवन की कठिनाइयों को दर्शाया गया है मेरी कविता का शीर्षक है शायद तुम नहीं समझोगे तो मैं कुछ यूँ लिखती हूँ जब मैं पैदा हुई इस समाज के लिए बोझ बन गई उस समय मुझे कितना दुख हुआ शायद तुम नहीं समझोगे फिर मेरी माँ ने मेरा साथ दिया और मैं हंसती खेलती इस दुनिया से लड़ी जब मैंने किशोरावस्था में कदम रखा मुझे मासिक धर्म नामक तोहफा मिला इसमें मुझे कितना दुख हुआ शायद तुम नहीं समझोगे फिर भी मेरी माँ ने मेरा साथ दिया और एहसास दिलाया जब तुम भी माँ बनोगी तो एहसास खूबसूरत भरा होगा जब मैं 20 की हुई लोगों ने शादी का ताना मारा माँ की चिंता पिता पर दहेज का भार देखकर मुझे कितना दुख हुआ शायद तुम नहीं समझोगे फिर मैंने ससुराल को अपना घर सास ससुर और पति के चरणों को जन्नत माना फिर भी पराए घर से आई है दहेज का ताना मारकर गोद में बच्चा दबा के मुझे घर में निकाला उस समय मुझे कितना दुख हुआ शायद तुम नहीं समझोगे धन्यवाद आज इस अवसर पर उपापत्री के पावन संबंधों पर स्वरचित कविता आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही है एक पिता से स्त्री की उच्च कांक्षाएं होती हैं जिन्हें मैं एक कविता के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करती हूं मेरी पंक्तियां कुछ इस प्रकार है तारों की वर्दी
I would like to call upon Komal Yadav for the next performance. अपर उपस्थित गुरुजनों और अन्य सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम कोमल यादव है और मैं बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। आज मैं आपके समक्ष अपनी जो कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, मुझे आशा है कि मेरी इस कविता से वे सभी लोग स्वयं को जरूर जोड़ पाएंगे जो वर्तमान समय में युवावस्था की दहलीज पर खड़े हैं। मुझे पहली बार घर वालों से दूर होकर छात्रावास में रहने का अनुभव प्राप्त हुआ। इस दौरान मुझे कई बार अकेलापन भी महसूस हुआ, लेकिन इस अकेलेपन से भी आप सीख ले सकते हैं अगर इसे आप सही दिशा में ले जाएं। बस आपका प्रयास स्वयं से स्वयं का संपर्क स्थापित करने का होना चाहिए। आपका यही प्रयास आपको वीरान अंधेरी राहों में चलने का जज्बा देगा। इन्हीं सारे अनुभवों को समेटती है मेरी ये छोटी सी कविता, जिसकी पंक्तियां कुछ इस प्रकार है। वीरान अंधेरी राहों में तुझे अकेला चलना होगा, दुनिया के आकर्षण से सब ही दूर निकलना होगा। सब रिश्ते हैं मतलब के यहाँ, या छड़ छड़ तुझे समझना होगा। जीवन के संघर्षों में सबको साबित करना होगा, तुझे सबको साबित करना होगा। त्याग हृदय की कोमलता को तुझे साहसी बनना होगा। मन में व्याप्त निराशा को उम्मीदों में बदलना होगा। निज पैरों की खोल बेड़िया स्वयं ही आगे बढ़ना होगा। वीरान अंधेरी राहों में तुझे अकेला चलना होगा। वीरान अंधेरी राहों में तुझे अकेला चलना होगा। धन्यवाद। Teachers and professors and all my dear friends, good evening to all. My name is Suman Bharti and I heartily welcome to everyone, and I want to express my hostel memories because this is a very golden moment for us. और ये पंक्तियां मैं समर्पित करती हूँ अपने प्रिय दर्शनी हॉस्टल के परिसर को कि चलो दोस्त आज एक अलग बात करते हैं कि चलो दोस्त आज एक अलग बात करते हैं पढ़ाई से थोड़ा सा हटकर कि पढ़ाई से थोड़ा सा हटकर इस चहकती शाम का गायन करते हैं। और कभी ये क्लास कभी वो क्लास, पॉलिटी हिस्ट्री मैथ बायो कि कभी ये क्लास कभी वो क्लास, पॉलिटी हिस्ट्री मैथ बायो को छोड़कर आज अपने प्रिय दर्शनी हॉस्टल की बात करते हैं। और संगम की इस पावन भूमि पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की छत्र छाया में समर्पित ये प्रिय दर्शनी हॉस्टल को कुछ पंक्तियों के साथ नमन करती हूँ कि प्रिय दर्शनी के परिसर का मैं इतिहास नहीं सुना सकती हूँ कि प्रिय दर्शनी के परिसर का मैं इतिहास नहीं सुना सकती हूँ किंतु एक साल के अनुभव को शब्दों में बयां कर सकती हूँ किंतु एक साल के अनुभव को शब्दों में बयां कर सकती हूँ और हॉस्टल की बहती हवा का मैं दुलार भाव गा सकती हूँ कि हॉस्टल की बहती हवा का मैं दुलार भाव गा सकती हूँ और कोई पूछे कि कहाँ से हो, यदि कोई पूछे कि कहाँ से हो तो कोमल हॉस्टल का नाम मैं गर्व से बता सकती हूँ। और इस मग्न शाम में उतर कर कुछ पंक्तियाँ हम आने वाले भविष्य के लिए अदा करते हैं कि हम यहाँ के सुबह और शाम को गर्व से सुनाएंगे कि यहाँ के सुबह और शाम को गर्व से सुनाएंगे अपने रूम नंबर और रूम की कहानी हंस हंस कर बताएंगे। यहाँ अपने ब्लॉक और हॉस्टल की दास्तान को हम हमेशा गाएंगे। यहाँ ब्लॉक और हॉस्टल की दास्तान को हम हमेशा गाएंगे। एक रोज जब ये दिन ये क्षण बीत जाएंगे तब ये यादें बनकर हमको बहुत सताएंगे। और अपने मैथ की कहानी हम बड़े मजे से बताएंगे कि अपने मैथ की कहानी हम बड़े मजे से बताएंगे। खाने में हर रोज मुक्स निकालना कि खाने में हर रोज मुक्स निकालना ये दिन हमें बड़ा सताएंगे। जब यादें बनकर तन्हाइयों में याद आएंगे जब ये दिन ये क्षण बीत जाएंगे तब बाद में हमें आंसुओं से बहुत रुलाएंगे। और यहाँ की अवधि भोजपुरी और मैथिली की जुबा को
क्योंकि यूपी में सुनाएंगे ये दिन, ये हमें बहुत याद आएंगे, बहुत याद आएंगे। याद आएगी ये मेला, याद आएगी ये मेला, इस चहकती शाम को गाएंगे और ये दिन हमें बहुत सताएंगे। ये टीचर्स और स्टूडेंट की सुनहरी महफिल, ये टीचर्स और स्टूडेंट की सुनहरी महफिल की यादें हम अपने फोन के कैमरे में कैद कर ले जाएंगे। ये दिन आज यूं ही बीत जाएगा लेकिन हमारी यादों में ये हमेशा जिंदा रहेगा और यादें बनकर हमें जब जब याद आएगा वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की छत्र छाया में समर्पित ये प्रियदर्शनी हॉस्टल हमें याद आएगा, याद आएगा। और ये अंतिम पंक्तियां समर्पित करती हूँ मैं अपने उन माता पिता के चरणों में जो अपनी बेटियों को बाहर भेज भेज पढ़ाते हैं, फिर चाहे वो हमारी डीसी मैम हो, हमारी वार्डन मैम हो या कोई भी महिला टीचर हो, प्रोफेसर हो, कोई भी हो जो एक बेटी के रूप में पढ़कर इस ऊंचाइयों को छूती हैं, अपने लक्ष्य को चुनती हैं कि नयन में माँ के बसता सपना, कि नयन में माँ के बसता सपना बिटिया मेरी काबिल हो जाए। और समाज में हो रही दहेज की चर्चा, कि समाज में हो रही दहेज की चर्चा इससे मुक्ति मिल जाए और बेटों को पढ़ाने वाले बहुत मिले होंगे, कि बेटों को पढ़ाने वाले बहुत मिले होंगे, बिटिया पढ़ाने वालों की ये शाम चर्चा हो जाए, कि बेटों को पढ़ाने वाले बहुत मिले होंगे, बिटिया पढ़ाने वालों की इस शाम चर्चा हो जाए। और कहते हैं कि इस दुनिया में माँ बाप देवता होते हैं, अरे कहते हैं कि इस दुनिया में माँ बाप देवता होते हैं, पर जो बिटिया को पढ़ाए, पर जो बिटिया को पढ़ाए वो सर्वोच्च देवता होते हैं, सर्वोच्च देवता होते हैं। थैंक यू टू ऑल। Repeat the names of poetry recitation, the contestants of poetry recitation competition for once. So our first contestant was Arpita, second Upma, third Neha, fourth Homan, fifth Suman. Now I would like to call upon Akansha Bundela with her poetry. अतिथियों को प्रणाम करती हूँ और बिना समय को जाया किए हुए सीधे अपनी कविता पर आती हूँ। दो पंक्तियां मैंने माँ के लिए समर्पित की थी, सुनेगा। मेरी माँ से ही मैंने ये सकल संसार देखा है, मेरी माँ से ही मैंने ये सकल संसार देखा है, कि दुनिया भर में है सच्चा उसी का प्यार देखा है, कि दुनिया भर में है सच्चा उसी का प्यार देखा है। मेरी गलती पे थोड़ा डांट करके माफ कर देना, मेरी गलती पे थोड़ा डांट करके माफ कर देना, मैंने ममता सरीखा कोई ना उपहार देखा है, मैंने ममता सरीखा कोई ना उपहार देखा है। अपनी मुख्य कविता पर आती हूँ जो मैंने लगभग 6-7 महीने पहले लिखी हुई थी। नाम मनु था मर्दानी थी जो गोरों की खाई बनी, नाम मनु था मर्दानी थी जो गोरों की खाई बनी, बुंदेलखंड की रानी थी जो सबकी लक्ष्मी बाई बनी, बुंदेलखंड की रानी थी जो सबकी लक्ष्मी बाई बनी, क्रांति गुरु बन करके वह एक नई चेतना लाती थी, उस अयोध्या किरण में तो तलवार चलाती थी, गुरु तात्या थे जिनके नाना की संग सहेली थी, गोरे जिनमें उलझ गए वह ऐसी दंग पहेली थी, आया समय एक ऐसा पे कूद पड़ी मैदानों में, उन गोरों को सबक सिखाया जो डूबे मन पैमानों में, गोरे फिर सारे थर्राए कि मनु तो काली माई है, वे जान गए उसकी क्षमता अब उनकी शामत आई है, लक्ष्मी ने ललकार लगाई आई मौत तुम्हारी है, और वही सामने आ जाए जिसको मौत प्यारी है, वही सामने आ जाए अब जिसको मौत प्यारी है, दोनों लगाम मोहमें थी दोनों तलवारें हाथों में, 10-10 को उसने मार दिया ऐसी शक्ति थी हाथों में, लाशें बिछ जाती थी वहां जहां लक्ष्मी जाती थी, कहीं दुर्गा कहीं काली कहीं नया रूप दिखलाती थी, अभिमान हमें उस माता पर जो सबका मान बचाती थी, ऐसी थी भारत की बेटी जो लक्ष्मी बाई कहलाती थी, ऐसी थी भारत की बेटी जो लक्ष्मी बाई कहलाती थी, वो भारत का गौरव है बुंदेलखंड की शान है, झांसी की लक्ष्मी बाई है हम सबकी वह पहचान है। थैंक यू सो मच। Give a huge round of applause for her.